हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 5 का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपने इसके पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आपके टॉप राइट कॉर्नर पे इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें एंड ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। वांडा पेट्रोन्स्की। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। They had names easy to say like Thomas, Smith or Allen. There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronski was. Wanda Petronski, बहुत से बच्चों का जो रूम 13 में थे, जिसकी क्लास थी, उनके नाम जो है ऐसे नहीं थे। उनके नाम कैसे थे? Easy to say थे, जैसे Thomas, Smith और Allen. एक लड़का था जिसका नाम Bounce भी था, Willie Bounce, and लोगों को लगता था कि वो funny है, but उस तरह से फ़नी नहीं जैसे पेट्रोन्स्की फ़नी था। सो ये प्रॉब्लम बेसिकली हर जगह की है। सो अगर आप देखोगे कि आपके नाम अमेरिकन्स के लिए बहुत अजीब होंगे, उन्हें फ़नी लगेगा, बहुत अजीब लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका नाम श्रेयांश है, अभिषेक है, ऋषभ है, तो उनके लिए नाम कभी उन्होंने सुने नहीं तो उन्हें अजीब लगेगा। सिमिलरली जब हम ये नाम सुनते हैं थॉमस, स्मिथ, एलन, तो ये हमें अजीब लगता है। तो सिमिलरली क्योंकि ये पोलिश लड़की थी, इसका नाम पोलिश था, सो वांडा पेट्रोन्स्की ये जो उसका सरनेम है ये उन्हें फ़नी लगता था एंड इसीलिए यू नो इट वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न कि वो उसे डिफरेंटली ट्रीट भी करते थे। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, इट वाज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन्ड प्रॉपर्ली। वांडा के कोई भी दोस्त नहीं थे, वो हमेशा अकेले स्कूल आती थी, घर भी अकेले जाती थी, वो हमेशा फेडेड ब्लू, फीकी सी ब्लू ड्रेस पहनती थी दैट डिडंट हैंग राइट। सो डिडंट हैंग राइट का मतलब जो उसे अच्छे से फिट नहीं होती थी। इट वाज क्लीन, वो साफ रहती थी उसकी ड्रेस, बट उसको देख के ऐसा लगता था कि उसे अच्छे से आयरन नहीं किया गया है। She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. So उसके दोस्त नहीं थे, बिल्कुल एक भी दोस्त नहीं थे, but बहुत सी लड़कियां उससे बात करती थी। कभी कभार उसे सराउंड कर लेती, उसे घेर लेती थी स्कूल ग्राउंड पे, स्कूल यार्ड में, जब वो छोटी छोटी बच्चियों को हॉपस्कॉच खेलते हुए एक worn hard ग्राउंड पे देखती थी। सो हॉपस्कॉच इस तरह के गेम को कहते हैं जिसमें यू नो आप ऐसे स्क्वायर्स बना लेते हो, नंबर लिख लेते हो, पत्थर फेंकते हो, फिर आप लंगड़ी करके उसको लेने की कोशिश करते हो। आई होप आपने बचपन में खेला होगा, तो हम जब छोटे थे तो हमने तो बहुत खेला था ये गेम। आजकल पता नहीं, वीडियो गेम का ज़माना है तो मे बी आप लोगों ने देखा नहीं हो। इसे हॉपस्कॉच कहते हैं। एंड वॉर्न का क्या मतलब है? वॉर्न यानी घिसी हुई। सो बहुत ज़्यादा यूज़ की वजह से जब कोई चीज़ घिस जाती है तो उसे वॉर्न आउट कहते हैं या वॉर्न कहते हैं। सो नॉर्मली ये जो गेम है आप ऐसे कंक्रीट और ऐसे हार्ड ग्राउंड पे ही खेलते हो। सो ये जो है बच्चे इस तरह से खेलते थे और ये उन बच्चों को देखती, उन छोटी छोटी लड़कियों को देखती थी खेलते हुए, तब जो है कुछ लड़कियां उसे घेर लेती थी। वांडा, पेगी वुड से इन अ मोस्ट कर्टियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मेसन। वांडा, शी वुड से, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। सो पेगी जब उनसे लड़के घेर लेती थी इस तरह से प्लेग्राउंड में, तो पेगी जो है, जो कि प्रिटी गर्ल थी, पॉपुलर गर्ल थी, वो मोस्ट कर्टियस मैनर में, सो कर्टियस का मतलब पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, बहुत ही विनम्रता के साथ जिसे आप बोलें। एंड ये जो वर्ड है ये बेसिकली कोट वर्ड से बना है एंड ये वर्ड का जो ओरिजिन था वो ये था कि जब भी आप रॉयल कोर्ट में, राजा और महाराजा की जो कोर्ट होती थी, सभा होती थी, वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ की जाती थी उस लैंग्वेज को आप कर्टियस लैंग्वेज बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत विनम्रता से बोलना होता था, इसीलिए फाइनली ये वर्ड का मीनिंग ये हो गया कि विनम्रता यानी पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली बोलना। सो बहुत कर्टियस मैनर में उसने क्या बोला, वांडा, एंड इस तरह से बोल रही थी जैसे वो मिस मेसन से बात कर रही है। सो मिस मेसन हमें पता चलेगा कौन है, शायद उनकी एक टीचर है। सो उसने बोला वांडा, और बोलते समय उसने क्या किया, अपने फ्रेंड को एक नज दिया। सो नज देना यानी ध्यान आकर्षित करने के लिए जब अपने फ्रेंड को ऐसे कोहनी मारते हो, इस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हो, तो उसको आप नज करना कहते हैं, जेंटल पुश विथ एन एल्बो। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया कि नज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कैसे वो एक्शन होता है, तो आप इस वीडियो का लिंक जो आपके टॉप राइट कॉर्नर पे उसको देख सकते हैं, जहाँ से मैंने ये पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट लिया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें आपको नज का मीनिंग एक वीडियो से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पेगी ने इस तरह से अपनी फ्रेंड को नज किया, ताकि उसका ध्यान जो है इस कॉन्वर्सेशन पे जाए। और उसने क्या बोला, हमें बताओ कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं क्लोज़ेट में हैंग करते हुए। सो क्लोज़ेट मतलब एक इस तरह की अलमारी जहाँ पे आप अपने कपड़े, जूते और इस तरह के सामान रखते हो, उसको आप क्लोज़ेट बोलते हो। इसका अनदर वर्ड वार्डरोब भी होता है। सो कितने कपड़े तुम्हारे वार्डरोब में या क्लोज़ेट में टंगे हुए हैं। सो डेफिनेटली वो शायद उसका मजाक उड़ाने के लिए ये पूरा काम कर रही है। सो वांडा ने क्या रिप्लाई दिया, 100 वांडा वुड से। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेजुलसली and the little ones would stop playing hopscotch and listen. Yeah, 100 all lined up, said Wanda. Then her thin lips drew together in silence. What are they like? All silk, I bet, said Peggy. Yeah, all silk, all colors. Velvet too? Yeah, velvet too. 100 dresses, Wanda would repeat stolidly, all lined up in my closet. Then they would let her go, and then before she had gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. 100 वांडा ने कहा, कितने ड्रेस उसके पास, 100। तो सबने एक्सक्लेम किया, मतलब सरप्राइज वे में क्या बोला, 100। सारी छोटी लड़के जो हॉपस्कॉच खेल रही थी उन्होंने इनक्रेडियसली बोला। इनक्रेडियसली मतलब अनबिलीवेबली, विश्वास ना करते हुए। सो इनक्रेडियस का मतलब है अनेबल टू बिलीव। इनक्रेडियसली का मतलब इस तरह से बोला कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा, दे वर अनेबल टू बिलीव। एंड वो हॉपस्कॉच खेलना फिर बंद कर देती थी एंड वो सुनने लग गई कि उसका और क्या कहना है इस बारे में। तो वांडा ने क्या कहा फिर, हाँ 100 ऑल लाइंड अप, इस तरह से एक लाइन में 100 टंगी हुई हैं। देन अ थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन लाइसेंस, फिर जो उसके होंठ हैं जो एकदम साइलेंट हो जाते हैं, मतलब वो अपना मुंह बंद कर लेती थी। फिर व्हाट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बेट। सो पेगी फिर उसको और क्वेश्चन पूछ रही है, क्या पूछ रही है कि वो सब कैसे हैं, सब सिल्क के बने हैं। आई बेट, आई बेट यानी मैं शर्त लगा सकती हूँ कि सारे सिल्क के हैं। तो उसने बोला हाँ सारे सिल्क के हैं और सारे कलर्स के हैं। वेलवेट टू, तो पेगी ने पूछा क्या वेलवेट भी हैं, तो उसने बोला हाँ वेलवेट भी हैं। 100 ड्रेसेस, वांडा वुड रिपीट स्टोलिडली। स्टोलिडली का मतलब क्या है, कामली एंड शोइंग लिटिल इमोशन। कामली बहुत ही शांत तरीके से एंड बहुत कम इमोशन दिखाते हुए, शोइंग लिटिल इमोशन, ना एक्साइटमेंट ना सरप्राइज नथिंग, तो उसको स्टोलिडली बोलते हैं। तो उसने स्टोलिडली क्या रिप्लाई किया, ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉजेट, सारे जो है मेरे क्लॉजेट में लाइंड अप हैं। देन वो जो है उसको जाने देते थे एंड उसके ज़्यादा दूर जाने से पहले वो बहुत तेज़ तेज चिल्लाने लगते थे और हंसने लगते थे। तो श्रीक का मतलब है चीखना। तो बेसिकली उसके ज़्यादा दूर जाने से पहले वो चीखने चिल्लाने लगते थे। पील का मतलब होता है लाउड रिपीटेड साउंड्स। बहुत तेज़ तेज अगर कोई साउंड बजे तो उसको पील्स बोलते हैं। एंड ये किस साउंड की बात हो रही है, उनके हंसने की। नाउ बिफोर वी गो फॉरवर्ड, जस्ट वन पॉइंट जो मैं आपको नोटिस करवाना चाहता हूँ, दैट इज़ दिस अपोस्ट्रोफी डी। एंड मैंने नोटिस किया कि बच्चों को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती कि ये अपोस्ट्रोफी डी को कैसे एक्सपांड किया जाए। तो ये ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। सो दे अपोस्ट्रोफी डी यहाँ पे मतलब होगा डे वुड। सो दैट मीन्स अपोस्ट्रोफी डी वुड का कॉन्ट्रैक्शन है। एंड शी अपोस्ट्रोफी डी का शी हैड। सो आप नोटिस करेंगे कि अपोस्ट्रोफी डी कोई भी फॉर्म ले सकता है, या तो वो वुड भी हो सकता है, हैड भी हो सकता है। आपको उस सेंटेंस से समझ में आ जाएगा कि वो वुड है या हैड है। एंड इनफैक्ट जब आप किसी सेंटेंस को रीड करेंगे देन ऑटोमेटिकली आपके मुंह से वो वुड या हैड अपने आप निकलेगा। सो फॉर एग्जांपल आप उसको दे वुड बोलेंगे एंड बिफोर शी हैड, सो ऑटोमेटिकली आपके मुँह से वो निकलेगा बिकॉज दैट इज़ द राइट वर्ड। आप यहाँ पे हैड लेट हर को नहीं बोलेंगे एंड देन शी वुड गॉन्स वेरी फार नहीं बोलेंगे, दैट इज़ नॉट राइट। सो दिस इज़ वॉट इट मीन्स, इस तरह से आपको इसको एक्सपैंड करना है। एंड ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब होगी जब क्लास में आपकी टीचर बोल रही है कि चलो ये पैराग्राफ पढ़ो, एंड देन आप स्ट्रगल करेंगे अरे मैं इसको कैसे पढ़ूँ। तो ये जो स्किल है आपको यहाँ पे काम आएगी। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे। सो व्हाई डिड शी से शी हैड 100? व्हाट अ स्टोरी। How many shoes did you say you had? 60 pairs, all lined up in my closet. Cries of exaggerated politeness greeted this. All alike? Oh no, every pair is different. All colors, all lined up. 100 dresses. Obviously, जो ड्रेस, the only dress, जो एक अकेली ड्रेस थी वांडा के पास, वो क्या थी, ब्लू वन थी जो रोज पहनती थी वो। पर उसने फिर क्यों कहा कि उसके पास 100 है? What a story. क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो बेसिकली हमें पता चलेगा कि वो क्यों ऐसा बोलती है कि उसके पास 100 है। फिर उससे जब वो पूछते थे कि आप तुम्हारे पास शूज़ कितने हैं, हाउ मेनी शूज़, तो वो बोलती थी 60 पैर है मेरे पास, 60 पैर हैं, ऑल लाइंड अप। फिर अगेन क्या बोलती थी, ऑल लाइंड अप, इस तरह से लाइंड अप रहती थी मेरे क्लॉजेट में। क्राइज ऑफ एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस। सो बहुत तेज़ आवाज़ में, क्राइज यानी तेज़ आवाज़ में चीखना, एग्जैजरेटेड यानी बढ़ा चढ़ा के बोलना। सो बढ़ा चढ़ा के पोलाइटली, सो जो पोलाइटनेस थी उनकी, जो नम्रता थी, वो बहुत ही एग्जैजरेटेड थी, बढ़ा चढ़ा के वो नाटक कर रहे थे बेसिकली। क्या बोला उन्होंने, ऑल लाइक, सब एक जैसे, तो उसका मजाक उड़ाते हुए बेसिकली। ओ नो, फिर वो क्या रिप्लाई करती है, अरे नहीं नहीं, सारे पैर डिफरेंट है, सारे कलर के, ऑल लाइंड अप। पेगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. So Peggy, जिसने ये गेम सोचा था, उसका ये आइडिया था इस गेम का, and Maddie, जो उसकी inseparable friend, inseparable यानी जिसे अलग ना कर सकें, मतलब वो हमेशा साथ साथ रहते थे। ये हमेशा लास्ट में जाते थे, so basically पूरा मज़ा लेते थे वो उससे, and जब सब सारी लड़कियाँ चली जाती थी, फिर लास्ट में ये दोनों जाते थे। फिर वांडा, जब वो ये चले जाते थे, तब वांडा जो है ऊपर अपने स्ट्रीट में जाती थी। उसकी आइज कैसी थी, डल होती थी। सो डल यानी इस तरह से, विदाउट एनी इमोशन, उसका मुंह बंद रहता था। एंड हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, हिचिंग यानी मूविंग विद अ जर्क, सो झटके के साथ मूव करना। सो उसका जो लेफ्ट शोल्डर था वो बेसिकली झटके के साथ आगे पीछे करती थी। सो इस फनी वे में, इस तरीके से, इस अजीब तरीके से। सो फनी वे यानी, या तो आप जब ये बोलते हैं फनी वे, सो इट कैन बी यानी कॉमेडी हो या स्ट्रेंज हो, स्ट्रेंज को भी आप फनी वे बोलते हैं। सो इस स्ट्रेंज वे में, इस अजीबो गरीब तरीके से वो चलती थी। एंड इस तरह से उसने अपना वॉक फिनिश किया स्कूल तक। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूल, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दिस इज अ क्रूल वे टू ट्रीट वांडा, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज। क्रूल? Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that that was a lie. Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person. Else, why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. So Peggy सच में बहुत क्रूर नहीं थी, सच में बहुत ज़्यादा क्रूर नहीं थी। क्रूर यानी क्रूर। वो छोटे छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट करती थी, बचाती थी बुलीज से, जो बेसिकली दूसरे लोगों को मिसट्रीट करते हैं, जो बुली करते हैं। एंड वो घंटों तक रोती थी जब वो किसी एनिमल को मिसट्रीट होते हुए देखती थी। अगर किसी जानवर के साथ दुर्व्यवहार होता था, तो मिसट्रीट करना यानी दुर्व्यवहार करना, तो वो घंटों तक रोती थी। पर अगर कोई उसको आके बोले कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम वांडा को बहुत क्रूल वे में ट्रीट करती हो, तो वो बहुत सरप्राइज हो जाती। क्रूल? वो लड़की क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? कोई भी कह सकता है कि वो झूठ है। देन वो झूठ क्यों बोलती, क्यों झूठ बोलना चाहती है वो? एंड वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। ऑर्डिनरी का यहाँ पे मतलब है नॉर्मल या रेगुलर। सो एक नॉर्मल पर्सन नहीं है वो, अदरवाइज उसका नाम ऐसा क्यों होगा। एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई, पर वो कभी भी उसको रुलाते नहीं थे। सो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उठ के आ रही हैं। एक कि बच्चे कैसे सोचते हैं। सो पहली बार जब उसका नाम पढ़ रहे हैं, जब उसका नाम सुन रहे थे, उनको लग रहा है कि अलग टाइप की बंदी है, यू नो, ये हमारे जैसी एक नॉर्मल इंसान नहीं है, बहुत ही अजीब तरह की बंदी है। सेकेंडली, जब वो उनकी बुलिंग करने पे कोई रिएक्शन नहीं देती थी, उसे रुलाती नहीं थी, क्योंकि वो रोती नहीं थी, कोई रिएक्शन नहीं था, तो उन्हें क्या लगता था, अरे हम तो रुला नहीं रहे हैं, तो हम क्या गलत कर रहे हैं, हम क्रूल नहीं हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीज़ यहाँ पे हाईलाइट की गई है। एंड इनफैक्ट बहुत समय ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हम जब तक किसी को रोते हुए नहीं देख लेते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमने उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है। एंड एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स and how many this and that she had was bothering her. Maddie was poor herself. She usually wore somebody's hand-me-down clothes. Thank goodness she didn't live up on Boggins Heights or have a funny name. And जहाँ तक Maddie की बात थी, ये जो बिजनेस था वांडा से रोज़ रोज़ पूछना कि उसके कितने ड्रेसेस हैं, कितने हैट्स उसके पास, कितने ये हैं, कितने वो हैं, ये उसको अब बॉदर कर रहे थे। बॉदर करना यानी उसे अब प्रॉब्लमेटिक लग रहा था, ये कॉजिंग कंसर्न और ट्रबल, या वो तंग हो रही थी, बेसिकली वो तंग हो रही थी इन सब चीज़ों से। ऐसा क्यों था? क्योंकि मैडी खुद गरीब थी, शी वॉज पुअर हर सेल्फ। वो नॉर्मली कैसे ड्रेस पहनती थी, हैंड मी डाउन क्लोथ्स पहनती थी। हैंड मी डाउन का मतलब किसी के द्वारा दिया हुआ, सो ओल्ड क्लोथ्स, किसी के पुराने कपड़े। फॉर एग्जांपल आप अपने कपड़े छोटे भाई बहनों को दे देते हैं उनको पहनने के लिए, सो ओल्ड क्लोथ्स गिवन बाय समवन एल्स। सो वो खुद किसी और के कपड़े दिए हुए पहनती थी, खुद गरीब थी वो। तो अब ये उसको ये तंग आ गई थी इन सब चीज़ों से, वो इस तरह से उसको बुली करने से वांडा को तंग आ रही थी वो। एंड वो किस चीज़ के लिए भगवान को थैंक कर रही कि थैंक गॉड जो है मैं बॉगिन्स हाइट्स में नहीं रहती हूँ या मेरा कोई फ़नी नेम नहीं है। तो उसे क्या लगता है कि अगर मैं भी बॉगिन्स हाइट्स में रहती या मेरा भी ऐसा कोई फ़नी सा नाम होता वांडा पेट्रोन्स्की जैसा, तो मेरा भी मजाक उड़ता। समटाइम्स व्हेन पेगी वॉज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. कभी-कभी जब Peggy Wanda से ये सब questions पूछती थी, mocking polite voice में, mocking यानी मजाक उड़ाते हुए एक polite voice में, तो Maddie शर्मिंदा हो जाती थी। Maddie felt embarrassed. Embarrassed है ना, इस तरह से आप जब शर्मिंदा हो जाते हो तो उसको embarrassed होना कहते हैं। And शर्मिंदा होके अपनी नजरें हटा के वो कहाँ नजर लगाती थी, अपने हाथ में अपने हथेली पे रखे हुए मार्बल्स कंचे, उनको देखने लगती थी, उनको इधर उधर रोल करती थी और कुछ खुद नहीं बोलती थी। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, एग्जैक्टली, शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पेगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, बट सपोज पेगी एंड ऑल अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। शी वाजंट एज पुअर एज वांडा परहैप्स, बट शी वाज पुअर। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronski. So वो इसलिए कुछ नहीं बोलती थी कि वो वांडा के लिए सॉरी फील कर रही हो। Exactly वो उसका रीज़न नहीं था। वो कभी भी वांडा पे अपना ध्यान नहीं लगाती अगर पेगी ये गेम इन्वेंट नहीं करती, ये ड्रेस वाला गेम इन्वेंट नहीं करती, जब उससे बेसिकली रोज़ क्वेश्चन पूछना कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं एट्सेट्रा। अगर ये जो मॉकिंग वाला गेम है वो इन्वेंट नहीं करती तो ये भी इस पे ध्यान कभी नहीं देती। बट उसका दिमाग कहाँ रहता था कि सपोज, मानो कभी पेगी और बाकी लोग उसके साथ ये मजाक करना स्टार्ट कर दें। सो वो इतनी गरीब नहीं थी जितनी वांडा थी, बट फिर भी वो गरीब थी एंड उसे ये डर लग रहा था कि शायद इसके साथ ये मजाक ना होने लगे। ऑफ कोर्स अब वो सोचे कि ऑफ कोर्स उसके पास ज़्यादा सेंस था कि वो 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास, ये सब बकवास ना करें। स्टिल वो नहीं चाहती थी उसके साथ हो ना ये सब मजाक स्टार्ट हो, इसलिए वो क्या विश कर रही थी कि पेगी जो है वांडा पेट्रोन्स्की को छेड़ना बंद कर दे। सो ये गेम बंद कर दे ताकि उसका नंबर नेक्स्ट कभी ना आए। तो चलिए इसे कॉम्प्रिहेंशन चेक से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, इन व्हाट वे वाज वांडा डिफरेंट फ्रॉम दी अदर चिल्ड्रन। सो किस तरीके से वांडा दूसरे बच्चों से अलग थी। वांडा वाज अ क्वाइट गर्ल एंड सीम्ड वेरी डल। She had no friends. She wore same faded blue dress every day to school, which didn't fit her well. Still, she claimed that she had 100 dresses in her closet. Also, her name was unusual for other American kids. So, Wanda थी, बहुत ही चुपचाप रहने वाली लड़की थी and बहुत dull लगती थी, बहुत dull दिखती थी। उसके कोई friends नहीं थे। वो same faded blue dress रोज पहनती थी जो उसे अच्छे से fit नहीं होते थे। फिर भी वो क्या claim करती थी, क्या बोलती थी कि उसके पास 100 dresses हैं उसके closet में। Also, उसका जो नाम था बहुत अनयूजुअल था, बहुत ही अलग था अमेरिकन बच्चों के लिए। अनयूजुअल का मतलब हो गया डिफरेंट। डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस? व्हाट डू यू थिंक शी सेड? व्हाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड? सो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या वांडा के पास 100 ड्रेसेस थे, आपको क्यों लगता है कि उसने ऐसा कहा? तो यहाँ आपको अब सोचना है कि उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होगा कि उसको ये झूठ बोलना पड़ रहा था। सो वांडा डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस। ये तो क्लियर था कि उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं थे, बिकॉज अगर होते तो वो अलग अलग कपड़े ज़रूर पहनती। आई थिंक शी सेड दिस बिकॉज शी डिडंट वांट एनीवन टू नो दैट शी वाज पुअर। शी परहैप्स वुड वांट टू इम्प्रेस अदर्स सो दैट दे बिकेम फ्रेंड्स विद हर। सो इसके क्या कारण हो सकते हैं? एक कारण ये हो सकता है कि वो नहीं चाहती थी कि सबको पता चले कि वो गरीब है। सेकेंडली, वो शायद ये चाहती थी कि इससे लोग इम्प्रेस हो जाएंगे और वो उससे दोस्ती कर लेंगे। Why is Maddie embarrassed by the questions Peggy asks Wanda? Is she also like Wanda or is she different? So Maddie is embarrassed by the questions Peggy asks Wanda because she was herself poor. So इस question में आपसे पूछा जा रहा है कि Maddie embarrassed क्यों थी जब Peggy उससे questions पूछती थी Wanda से, और क्या वो Wanda की तरह है, अगर नहीं तो कैसे different है। So Maddie जो है embarrassed होती थी Peggy के question से क्योंकि वो खुद poor थी, वो खुद गरीब थी। She usually wore old clothes given to her by someone else. So वो खुद नॉर्मली कैसे पुराने कपड़े पहनती थी जो दूसरे के द्वारा दिए गए थे. She is different from Wanda. वो वांडा से डिफरेंट है. शी इज़ नॉट एज पुअर एज वांडा. आई डिडंट लिव इन अ पुअर लोकेलिटी लाइक बॉगिन्स हाइट्स. तो वो इतनी पुअर नहीं थी जितना वांडा पुअर थी, और वो एक पुअर लोकेलिटी में नहीं रहती थी जैसा बॉगिन्स हाइट्स था. एडिशनली शी डिडंट वेयर सेम क्लोथ्स एवरीडे. एडिशनली वो सेम कपड़े रोज़ नहीं पहनती थी. यहाँ पे आप चाहें तो एक और लाइन लिख सकते हैं दैट शी सीम्ड, ऐसा लगता था कि वो ज़्यादा सेंसिबल है. शी सीम्ड मोर सेंसिबल देन वांडा, इसलिए क्योंकि वांडा 100 ड्रेसेस हैं बोल के दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करती थी, तो ये सेंसिबल नहीं था वांडा का ये बोलना. सो यू कैन से कि हाँ ये थोड़ी ज़्यादा सेंसिबल थी, बट यू नेवर नो कि एक्चुअल रीज़न क्या था क्योंकि हमने स्टोरी पूरी पढ़ी नहीं है. बट स्टिल दिस कैन बी रिटन एज वन ऑफ दी पॉइंट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए. अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे तो इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें. इस चैप्टर के अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.